हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लास सिक्स के एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर थ्री एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर चार से। क्वेश्चन नंबर चार, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। फर्स्ट है प्राइम नंबर, 20 के अंदर कितने प्राइम नंबर्स आते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर आ जाएंगे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 15, 16, 18। जितने ही कंपोजिट नंबर आ जाएंगे इतने प्राइम नंबर्स आ जाएंगे। काफ़ी आसान है, कंपोजिट प्राइम तो सभी को याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। एक्सप्रेस द फ्लोइंग एज द सम। नहीं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10? 1 और 10 के बीच में जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर है वो कौन सा है? 1 और 10 के बीच का प्राइम नंबर को हम लिखते हैं यहाँ पे, हम 2, 3, 5, 7। 1 से 10 तक में इतने प्राइम नंबर है जिसमें कि सबसे बड़ा 7 है। इसका आंसर हो जाएगा 7 इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फ्लोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। एक्सप्रेस द फ्लोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। 2 ऑड प्राइम्स को लिखना है, जैसे 44 बी में हो जाएगा 36। तो कितना को ऐड करने के बाद, 2 ऑड प्राइम्स को ऐड करने के बाद 44 आ रहा है। अगर 3 + 41 कर देते हैं तो ये 44 के बराबर है। तो यहाँ क्वेश्चन में ही बताया गया, एक्सप्रेस द फ्लोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। 2 ऑड प्राइम्स को जोड़ करके इतना फोड़ रहा है। उसी तरह 36 को अगर देखा जाए तो 36 को करना पड़ेगा 31 + 5, 2 ऑड प्राइम्स है तो 36 हो गए। इसका सी नंबर में क्या है क्वेश्चन? 24 को करने के लिए होता है 7 + 17। 24 2 ऑड प्राइम्स को जोड़ दिए। डी नंबर में है 18 को जोड़ने के लिए, 18 में अगर हम 3 माइनस करते हैं तो 15 आते हैं, और 15 4 माइनस करते हैं, अगर 18 में हम 5 माइनस करते हैं 13, ये भी नहीं होंगे। 11 + 7, ये देखिए कितने आसान है, 11 + 7, 18। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। 7, गिव 3 pairs ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2।
कोई डिफरेंस इज टू, कोई तीन पेयर ऐसा प्राइम नंबर बताया जाए जिसका कि डिफरेंस टू हो जाए, जैसे 3 एंड 5। ये एक ऐसा प्राइम नंबर है जिसका कि बीच का डिफरेंस निकाला जाए तो 2 निकलेगा, और ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। ऐसा तीन को कहीं बताया जाए, जैसे 5 एंड 7। ये भी एक ऐसा प्राइम नंबर है, इसका भी डिफरेंस 2 आ जाएंगे, और 11 एंड 13। ये भी एक ऐसा प्राइम नंबर है जिनका डिफरेंस 2 आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम? Which of the following numbers are prime? 23, B में है 51, C में है 37 एंड D में है 26। विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स आर प्राइम? इसमें से प्राइम नंबर कौन सा है? इसमें से प्राइम नंबर एक 23 है, 23 इज़ अ प्राइम नंबर, इसका दो ही फैक्टर होगा, और एक 37, 37 एक प्राइम नंबर है। ये दोनों एक, सिर्फ ये और ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स। बाकी सबके जैसे 51, 26, ये दोनों के अधिक फैक्टर हो जाएंगे। आप दोनों का फैक्टर निकाल के देख लीजिएगा, फैक्टर आप चारों का निकालिएगा, 23 और 37 का, दो ही फैक्टर होंगे, इसलिए ये दो प्राइम नंबर्स हैं ए बी सी डी के ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 9। राइट 7 कॉन्स्टिट्यूटिव राइट कॉन्स्टिट्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 so that there is no prime numbers between them. Write 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime numbers between them. चलिए इनको भी सॉल्व करते हैं। 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96। ये एक ऐसा सीरीज है, इनको याद आप कर लीजिएगा। 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स है ये। एक ऐसे कंपोजिट नंबर है जो कि एक लगातार एक सीरीज में है, सारे कंपोजिट नंबर्स हैं जो कि 7 कंपोजिट नंबर जो कि कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव 7 कंपोजिट नंबर्स। ये आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, 90 से लेकर 96 तक। एग्जाम में भी आपके पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 odd primes. Express each of the following numbers as the sum of 3 odd primes. ए नंबर है 21, बी 31,
है सी 53 एंड डी लास्ट वन 61। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ थ्री ऑड प्राइम्स। थ्री ऑड प्राइम्स को जोड़ करके 21 बनाना है, तो थ्री ऑड प्राइम्स को जोड़, जैसे 3 + 7 + 11 + 11 + 7 + 19 + 3 = 21। ये एक थ्री ऑड प्राइम्स को जोड़ करके मैंने एक 21 को एड बन गया। इसके बाद 31 को मैं इसी तरह करता हूँ, 3 + 11 + 17। ये आपको कर करके देखने हैं कि कैसे मैं जोड़ूं जो 31 हो जाए और ये तीनों जो है ऑड प्राइम्स भी रहे हैं। चलिए 53 को जोड़ने के लिए अगर हम 13 + 17 + कितना इसमें जोड़ना होगा, 23 जोड़ना होगा। 23 जोड़ते हैं तो 53 हो जाते हैं। तो ये भी एक ऑड प्राइम्स जोड़ने की बात हो रहे हैं। 61 को फिर 19 + 29 + 13 जोड़ने के बाद ये भी एक 61, तीन ऑड प्राइम्स को जोड़ने के बाद हो रहे हैं। काफ़ी सब आसान है, पर थोड़ा सा थिंक आपको करना होता है, सोचना होगा इसके प्रति। क्वेश्चन नंबर 11, राइट फाइव पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स। लेस देन 20 हूज सम इज divisible by 5. Write 5 pair of prime number less than 20 whose sum is divisible by 5. कोई 5 prime numbers को हम जोड़ करके ऐसा कोई अंक लिखें जो कि 5 से divisible हो जाए। तो 2 + 3 दोनों prime है, 5, ये 5 से divisible है। Second number 3 + 17 = 20, ये भी एक, ये भी 5 से डिविजिबल है, दोनों ये प्राइम है। थर्ड नंबर में हो जाएंगे 5 + 5 अगर लिखते हैं, सॉरी 5 + 5 = 10, ये भी 5 से डिविजिबल है। फोर्थ नंबर में 7 + 13 लिखते हैं अगर, तो ये भी हो जाएंगे 20, ये भी 5 से डिविजिबल है। 7 + 13 मैंने अलग लिखा है इसको भी। और 2 + 13 लिखते हैं, ये भी 15, ये भी 5 से डिविजिबल है। ऑल आर डिविजिबल बाय